बहुत जल्द अखंड भारत वापस से मिल जाएगा, बलूचिस्तान भी लेंगे, बांग्लादेश भी लेंगे और पाकिस्तान भी। पहले भाई का जो रिएक्शन वीडियो, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज की वीडियो का हमारा जो टाइटल होने वाला है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रोस्ट पार्ट 2, और ये बहुत ज़्यादा फनी होने वाला है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत जल्द अखंड भारत वापस से मिल जाएगा, बलूचिस्तान भी लेंगे, बांग्लादेश भी लेंगे और पाकिस्तान भी। मैं पहले भाई का जवाब दे दूं कि 47 में तोड़ा, फिर बांग्लादेश बना, फिर पाकिस्तान बना। एक समुदाय 15% है हिंदुस्तान में, मालूम है ना, 15% है हिंदुस्तान में, और इनके हिसाब से नाक में दम कर रखा उसने। 15% सर, इनको कभी परसेंटेज बताते हैं, उसने नाक में दम कर रखा है। टपा डप, मालूम ना, 40 करोड़ है बांग्लादेश और पाकिस्तान में। अगर वो तोड़ते ना, यहाँ रखते ना, तो फिर सोचो तुम्हारा क्या होता, या हमारा क्या होता। ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं। 15% में हारे पड़े हैं, ये देखो जी हमारे हिंदू खतरा, हमारे इसको खतरा, हमारे उतरो। अगर वो 15% तक 40 करोड़ आज होते हिंदुस्तान में, भूचाल आएगा, भूचाल बवंडर आएगा, बवंडर। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू बिल टॉक्स। यार कैसे हो आप सब? दोस्तों आज का वीडियो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रोस्ट पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आप थोड़ी सी तकल्लुफ उठा लेंगे तो जाकर देख सकते हैं। इन अनभक्तों से ज्यादा होशियार और चालाक प्रजाति मैंने पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं देखी है। अनभक्तों में थोड़ा सा भी दिमाग बाकी नहीं रहा है, क्योंकि वो अपने दिमाग से तो कुछ सोचते ही नहीं है। मोदी जी ने जो भी किया वो सही है बोलकर बोलते हैं। अनभक्तों के दिल, दिमाग, लिवर, किडनी, इन सब चीजों से सिर्फ एक ही बात निकलती है कि इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इंडिया एक सेकुलर देश है, इसको ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इस वीडियो में आपको इनकी भरपूर अनभक्ति और बगैर लॉजिक के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पेट्रोल 82 रुपए लीटर 100 है 14 में थी, 100 है 100। मैन जी पेट्रोल, मुझे देश चाहिए, पेट्रोल नीचे है, मैं पैदल जा सकता हूँ, मुझे देश चाहिए। मोदी 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 मोदी, अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा ये भजिया। मोदी मोदी, मुझे चाहिए देश, मुझे देश चाहिए देश, मुझे नहीं एकदम भजिया है साले, बस से चला जाऊंगा। व्हाट, पैदल पैदल बस से जाऊंगा, बस से। अबे साले, तभी इस प्रकार की बचकाना बात भाई, किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। और इन सब अनभक्तों में भी अल्ट्रा प्रो मैक्स अनभक्त होते हैं, जो कि मोदी, योगी और अमित शाह को भगवान मानते हैं। और योगी जी और मोदी जी भगवान के डायरेक्ट आदमी है, तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट हमारे इंसान और भगवान के बीच में दो ही आदमी है, डायरेक्ट आदमी है। कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। ओ भाई, दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। हम इंसान है, वो इंसान में नहीं आते, भगवान के बाद उनका नंबर आता है। कौन से भगवान के अवतार हैं, या अपने आप में भगवान है? तीन जो मालिक है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके भेजे हुए हैं। दूत है इनके। तो आप कह रहे हैं कि मोदी योगी भगवान है, भगवान के दूत है, या जो भी आपने कहा मूत है। अगर भगवान है तो सारे कष्ट हर लेने चाहिए थे ना आप पब्लिक के। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। रंग भाजपा का, खुशबू भाजपा की, इसको बात मान रहना रहो, इसको नहीं रहना देश छोड़ के जाओ, इसको बात मान रहना रहो, इसको नहीं रहना देश छोड़ के जाओ। इसकी माँ का भोला चेहरा ना, इन्होंने सबने पैसा बनाया, कंपनी बना रखी है, कांग्रेस कंपनी, आम आदमी कंपनी खोल रखी इन्होंने, बिना एक रुपए इन्वेस्टमेंट किया, तो राज्य में अपना अपनी सत्ता बना ली इसने, एक रुपए इन्वेस्ट किया सब हराम का पैसा, दो नंबर का पैसा जमा करके बैठा हुआ है, सबका पैसा हेट हेट के राजा बन गया खुद अकेला। फ्री में देगा, फ्री में कहा देगा, तेरा बाप रहता है बिजली, तपली में बिजली बनती है क्या, कहाँ से बिजली फ्री देगा? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। तो भाजपा भी तो फ्री दे रही है हिमाचल में 125 यूनिट। वो तो बाद में जब सरकार आएगी उसके बाद वो देगी, जैसा कंडीशन होगा। दे रही है ना, अभी दे रही है, तो बोला है अब देगी तब देगी। चुनाव से पहले दिया ना भाजपा ने भी, हमारा सुना नहीं है। अरे सुना नहीं ना, आप देखते नहीं ना, पूरा नहीं देखते ना। इतने झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा कि ताट नकली कर दूंगा मैं। देशभक्त हूँ। हाँ जी, और जो बीजेपी के खिलाफ है वो देशभक्त नहीं है? जो बीजेपी के खिलाफ है तो सोचा जा सकता है कि वो आधे अधूरे देशभक्त है, पूरे तो नहीं है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हाँ यार, ऐसा सवाल है, तो देशभक्त है। कितना महंगा होना चाहिए पेट्रोल? कुछ भी महंगा हो जाए जो सरकार करेगी वो बहुत बढ़िया कर रही है। 200-300 कितना? 500 रुपए तो भी लगवाएंगे, तो भी मोदी जी के साथ में, मोदी जी रहेंगे वोट। आई लव मोदी, लव मोदी। अच्छा, कितना ज्यादा लव करते हैं? जितना भगवान से ज्यादा, जितना भगवान से ज्यादा। वाह क्या सीन है,
आने वाले 100 साल तक मोदी ही मोदी रहेगा, आने वाले 100 साल तक मोदी ही मोदी रहेगा। चुप कर बे कुत्ते। ये दिल्ली की जनता है, इसने फ्री दारू, फ्री बिजली और फ्री पानी के चक्कर में सरकार का वोट दे दिया तो आज अब्दुल से पत्थर खा रही है। हम यूपी के हैं, हमने फ्री दारू, फ्री बिजली और फ्री पानी को लात मारी तो आज बुलडोजर का मजा ले रहे हैं। क्या सोच है रे तेरी कि मोदी हिंदू राष्ट्र बना रहा है, मोदी हिंदू राष्ट्र बना रहा है। गलत, मोदी जी हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे बल्कि मोदी जी हिंदुओं को सेफ रख रहे हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। बात करते हैं कि मोदी जी करवा, मैं पहली बात तो किसी पॉलिटिक्स को मैं सपोर्ट ही नहीं करता, सब चोर हैं, बीजेपी कांग्रेस सब चोर हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नूपुर शर्मा के साथ बीजेपी पार्टी ऐसा कर सकती है? हमने जो वोट दिया था, हमने वोट दिया था हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हमने वोट दिया था हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए। तुमने हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगा, तुमने लोगों के इमोशनल के साथ खेला, तुमने कहा कि ठीक है हमें तो हिंदू है। अरे मेरे भाई वक्त बदलना है, अब राजा का बेटा राजा नहीं, जो काम करेगा वो राजा कहलाएगा। अच्छा हमको सिखा रहा है। मैं, मेरा नाम पता है आपको क्या है? आपने मेरा नाम पूछा, मेरे बाप से बहुत गुस्सा है, आपने मेरा नाम नहीं पूछा। नाम पूछो पहले मेरा। क्या नाम है? आकाश गर्ग 786। पता क्यों पड़ा? मैं हिंदू भी हूँ और मुसलमान भी हूँ, क्योंकि हम सब भाई भाई हैं। अब आए ना लाइन पे। 2014 में 910 रुपए का सिलेंडर था। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, मैं लिख के दिखाऊं। 2014 में मैं कांग्रेस की राज में, कांग्रेस की राज में 910 रुपए का सिलेंडर। ये सच कह रहा था, ये सही आंकड़े है, बिल्कुल सही आंकड़े। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, 910 रुपए का सिलेंडर है ये भाई। नहीं, नहीं, देश के क्योंकि 80% जो कांग्रेस ने नंबर एक का काम गलत कर रखा था वो भी आएंगे, अभी रास्ते में बचे रुके हैं। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। कांग्रेस के में कौन सा काम गलत था? कांग्रेस तो हमारे देश की एक साथ देखा जाए तो ऐसा कर दिया है कांग्रेस ने, जिसकी जड़े हम खोते रहेंगे इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। कांग्रेस ने वो किया है। अच्छा क्या किया था? तो जैसे जैसे नेहरू जी की 10 गलतियां हैं। क्या 10 गलतियां बता नेहरू जी की? उसमें जैसे एक से चाइना का जो, क्या? जो हिमालय ले गया हमारा। चाइना हिमालय ले गया? जी, कौन सन में ले गया? 1962 में हिमालय ले गया। मैंने कहा आप हिमालय हमारे भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, अगर हमारे पास आएगी तो हम उसको दोबारा वापस हिमालय ले गया। को बत्ती तो पूरी आजादी लेते ना, उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे। हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कम्प्लीट की शपथ ली गई थी, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन नहीं हुए थे। नेहरू गांधी ने किसकी शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली थी, ना कि भारत के संविधान की शपथ ली गई थी। इतनी बार कहा सस्ते नशे मत किया करो, मत किया करो। और ये उस टाइम पे आपको भी पता होगा, आज के प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है तो वो भारतीय संविधान की शपथ लेता है। नहीं, वो 99 साल की लीज। मैं बता रही हूँ, ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है, ये कम्प्लीटली आजाद नहीं है भारत, और ये भी कांग्रेस वालों की ही देन है जो है। अच्छा 1947 को जो आजादी मिली है वो 99 साल की लीज पर है, कहाँ लिखा है ये? मैं आपको प्रस्तुत, आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर दूंगी। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। बात है, ये तो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र नहीं किया, ना भाजपा के, ना कांग्रेस के, ना दूसरे दलों के। अरे हाँ भाई हाँ, या भारत ने नहीं किया। हालांकि कुछ YouTube के वायरल वीडियोस में कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ के ये थ्योरी चलाई जा रही, पर इसका कोई साक्ष्य नहीं है। नहीं, सही है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दबा के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, वीडियो बहुत ज़्यादा फनी और मज़ेदार थे, और आपका वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।